गाइस आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप किस तरीके से लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है उसको आप पहले से प्रेडिक्ट करके रख सकते हो, यानी कि आपको पता चल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना होगा अगर आपको सीखना है तो मेरे पास इस टाइम पे कोई नहीं है, हमारा कैमरामैन यानी कि नैना मैजिशियन कृष्णा आपके सामने है, यानी कि कैमरा पे पीछे, तो वो हमें हेल्प करेगा, उनको हम इस ट्रिक को टीचिंग देंगे, साथ में आप भी सीख लो, काफ़ी अमेजिंग है। तो मेरे पास है 1 deck ऑफ कार्ड्स जिसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया, चाहे तो कोई भी आके सफल कर सकते हैं, एनीवन रैंडम मिक्स, ओके नो प्रॉब्लम, कहीं पर भी कार्ड को कट करके कहीं पर ही रख सकते हैं, नो ओके ओके कृष्णा ओके। और कोई सवाल? क्या सवाल करें? नहीं मतलब कार्ड और मिक्स करना है? नहीं मिक्स तो कर दिया आपने। ओके आप देख कहीं पर भी मैं कट कर देता हूँ, कैमरा नीचे ले लेना, मैं यहाँ पर कार्ड को रख देता हूँ, मैं टच नहीं कर रहा हूँ। ओके अब देखो मैं प्रेडिक्ट करना चाहूँगा कि आगे क्या होने वाला है। मैं 2 cards बाहर करके रखूँगा, 1 second वॉच, ये आने वाला है आई थिंक, और ये जो 2 cards हमने निकाला ये एक्चुअली प्रेडिक्शन है, अभी थोड़ी देर में ये होने वाला है और वो किसी को नहीं पता। अब मैं इन दोनों को यहाँ पर रख देता हूँ। अब कृष्णा तू मुझे बता इस कार्ड में से मैं कितना कार्ड यहाँ पर रखूँ? इनमें से 12 कार्ड 13 कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यस हाँ, और चेंज करना है और एक कर दीजिए 14 यस हाँ ओके। अब इस 14 कार्ड को हम क्या करेंगे, दोनों जगह पर रखेंगे। अब बता किधर से रखना है, तेरे राइट से रखना है या लेफ्ट से रखना है? लेफ्ट से। तेरे लेफ्ट से ना? हाँ yes. आपका राइट मेरा लेफ्ट, ये हाँ। देख मैं इधर एक रखता हूँ, इधर एक रखता हूँ, वॉच केयरफुली ओके। ये मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया यस हाँ। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी कुछ प्रेडिक्ट कर रखा है यहाँ पर, तो अब मैं सबसे पहले देखता हूँ ये इसमें टॉप कार्ड क्या आया है, दिस इज जोकर यस, और इधर का टॉप कार्ड क्या है? 3 3 ऑफ हार्ट्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो देखिए मैंने सही बिल्कुल प्रेडिक्ट किया कि यहाँ पर टॉप कार्ड्स जोकर आने वाला है और इधर का टॉप कार्ड 3 ऑफ हार्ट्स आने वाला है यस। ए हार्ट्स है मतलब हार्ट्स नहीं सॉरी नंबर के साथ मैजिक हो रहा है ना, ये हार्ट तो 2 कार्ड नहीं होता एक डेक के अंदर, तो 3x3 एंड जोकर बाय जोकर यस 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 हां। तो समझ में आ गया कृष्णा तुझे? हां हां 3 ऑफ हार्ट्स 2 कार्ड नहीं होता है, इसकी वजह से 3x3 3 का प्रेडिक्शन नहीं आपने से किया, आपने बोल रहे थे ना कि 3 ऑफ डायमंड, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि ज्यादातर बिल्कुल कार्ड सेम टू सेम मैच कराते हैं ना। ओके सो आई होप कि आपको ये ट्रिक्स काफी अच्छा लगा होगा। कृष्णा को कैसा लगा? बढ़िया 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 है। आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो, देखो वो 20 कार्ड ले सकता है, 25 कार्ड ले सकता है, उसका मर्जी। अब उसके अंदर टॉप में वही कार्ड आने वाला है, इसका कोई गारंटी नहीं है, बस सिर्फ मैजिक में हो सकता है। तो चलिए अब हम सीखेंगे इसके पीछे का साइंस क्या है, किस तरीके से चाहे तो आप इस ट्रिक को करके दिखा सकते हैं। देखिए आज जो मैं आपको सिखाऊंगा ये तो सारे बेसिक कुछ चीजें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट बहुत सारे चीजें हैं जो आपको अलग तरीके से सीखना चाहिए, कुछ बेस्ट चीज हैं जो मैं YouTube पे नहीं सिखा सकता। काफी सारे लोगों का सवाल है कि आप YouTube में मैजिक सिखाना क्यों बंद करो? भाई मैजिक सिखाना मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं काफी सारे मैजिक, कम से कम मेरे YouTube चैनल में 850 के ऊपर वीडियो है जो मैंने वीडियो दिखा रखा है, मैजिक सिखा रखा है, तो वहां से आप सीखेंगे तो काफी अच्छा मैजिशियन बन सकते हैं। बेटर कुछ सीखना हो तो आप यूट्यूब को छोड़ो यार, अलग से सीखना है, क्योंकि मैजिक हर चीज को रिवील नहीं कर सकता मैं यूट्यूब पे। कुछ चीजें होते हैं जो मैजिशियन अपने शोज करते हैं, तो भाई सब कुछ रिवील नहीं होना चाहिए ना। तो एक्चुअली मैं भी एक मैजिशियन हूँ, आगे बहुत सारे मैजिशियन हैं वो भी मैजिक करते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं अपने चैनल के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप देख सकते हो, बेसिक सारे नॉलेज ले सकते हो। बाकी कुछ एक्स्ट्रा सीखना हो, माइंड रीडिंग कोर्स वगैरह करना हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जरूर चेकआउट कर सकते हो मेरा वेबसाइट। ओके तो इस मैजिक को करने के लिए हमें जो चाहिए कृष्णा 52 cards ऑलमोस्ट ये मिक्स रहेगा, इसमें कोई भी सेटअप नहीं है, आप चाहो तो जिसके साथ मैजिक कर रहे हो उसको दे सकते हो कि आप इसको मिक्स कर दो, तो वो किसी भी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। ओके क्लियर? आप जो करना है तुझे, आप अभी जैसे कि बोल रहा था कि मैं 2 कार्ड निकाल कर रखता हूँ, मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ओके सो वो प्रेडिक्शन में कैसे करता हूँ, मुझे कैसे पता चलता है कि वो आगे वही आने वाला है? देखिए यहाँ पर जब मैं कार्ड को मिक्स करने के बाद हाथ पे लेता हूँ, थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाना, तो जब भी मैं कार्ड को प्रेडिक्शन करने के लिए निकालता हूँ 2 कार्ड, तो सबसे पहले मैं टॉप जो 2 कार्ड्स हैं उस 2 कार्ड को देख लेता हूँ, कहीं पर भी हो सकता है वो कार्ड करने के बाद, कहीं पर भी जब भी आपके हाथ में आता है तो आप बोलेंगे कि मुझे प्रेडिक्शन के लिए 2 कार्ड में बाहर कर रहा हूँ, तो आपको फर्स्ट 2 कार्ड्स देख लेना है,
फर्स्ट कट क्या है कृष्णा? टू ऑफ डायमंड सिर्फ नंबर टू एंड फोर। तो हम इन दोनों को देख लिए, अब इन दोनों कार्ड को नहीं लेंगे, अब इनके जैसा कोई भी दो कार्ड ले लेंगे, जैसे ये वाला कार्ड ले सकते हैं। तो ये कार्ड प्रेडिक्शन में आने वाला है। दूसरा कार्ड कौन सा देखा था हमने? फोर। यस दिस इज फोर। तो हम कोई भी दूसरा एक फोर कार्ड ले लेंगे। यस दिस। तो हम इस तरीके से सामने से देख लेते हैं कि टॉप दो कार्ड क्या है, सेम टू सेम उसी नंबर का या उसी डिजाइन का तो आपको नहीं मिलेगा। डायमंड का 7 एक ही होता है, डायमंड का 2 एक ही होता है, हार्ट का 2 मिलेगा। तो नंबर आपको देख लेना है 2 और 10, 2 और 4। तो हमने 2 और 4 को निकाला और जैसे रखा था 2 एंड 4 हमने यहाँ पर टेबल पर रखा। ठीक है, यह है 2 और यह है 4। अब देखिए जो हमने देखा वो अभी भी टॉप में ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से कार्ड को रख देते हैं। इतना क्लियर कृष्णा? यस यस। पहला दो कार्ड देख लेना है और उसके जैसा नंबर का दूसरा कार्ड निकाल के आपको रख देना है। ओके, अब कृष्णा बोलो कितना कार्ड निकालना है? 3। नहीं 3 कार्ड्स नहीं होगा ना, ज्यादा गिनना होगा ना। हम 3 से भी दिखा सकते हैं, एक्स्ट्रा बोलो कुछ, जैसे 5-7 ऊपर बोलो, जल्दी बोलो। 22। 22। आप देखो जितना भी नंबर बोले कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि हमारा जो दो कार्ड्स हैं जिसको हमने देखकर प्रेडिक्शन कार्ड निकाला है वो कार्ड हमारा टॉप में ही है। yes. तो हम क्या करते हैं यहाँ से गिनना स्टार्ट कर देते। ये दो कार्ड आना चाहिए बस। आपने जैसे 3 बोला था तो मैं 3 कार्ड भी ले सकता था और फिर मैं ऐसा बोल सकता था 3 कार्ड ओके चलिए कोई बात नहीं, कहाँ से रखना शुरू करें, यहाँ से जहाँ से आप बोलेंगे। तो मैं यहाँ से रखूँगा और फिर कहूँगा देखिए ऊपर का 2 कार्ड 2 और 4 आया है। वॉच दिस इज 2 और 4 हो गया मैजिक। यस, बट मैं वो चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखाने की कर रहा हूँ अगर ज़्यादा कुछ कोई लोग अगर ज़्यादा कहते हैं, जैसे आपने 22 बोला, यस 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो क्या होता है जो भी कार्ड्स आप लेते हो या जो भी नंबर बोलते हैं उतना कार्ड के सबसे नीचे वो दो कार्ड आ जाते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले रखा है। आप कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, ऑडियंस को भी बोल सकते हैं कहाँ से शुरू करें, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट यानी कि साइड। यस, तो हम यहाँ से रखना शुरू कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से रखते हुए सब कार्ड खत्म हो जाता है, आखिर में आता है 2 कार्ड्स, जैसे कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये आखिर का 2 कार्ड 2 एंड 4। तो आप देखो कभी कभी 2 इधर भी आ सकता है, 4 इधर भी आ सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, यस ओके। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 रखा, यहाँ पर 4 रखा और यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। तो हम सबसे पहले कहेंगे देखिए मेरा प्रेडिक्शन तो यहाँ पर है ही, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर 2 रखा है, यहाँ पर 4 रखा है, छोटा पहले बड़ा बाद में। तो हम पहले इसका देखेंगे, हम कहेंगे कि देखिए चलिए आप देखते हैं आपका सबसे टॉप वाला कार्ड क्या आया है। अच्छा 2, तो मुझे पता है कि 2 इसमें है। यस, और फिर मुझे पता चल गया ये 4 होगा, तो 2 और 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हाथ को घुमा के ले जाएंगे, एक क्रॉस बनाएंगे, बोलेंगे देखिए आपका 2 और 4 आया है। वॉच, हम भी इसको प्रेडिक्शन कर रखे थे, दिस इज 2 बाई 2 एंड 4 बाई 4। कभी कभी क्या होता है 2 यहाँ पर होता है, 4 इधर होता है, जैसे कि दिखाता हूँ, और फिर आपका भी सेम टू सेम आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है देखिए आपका 2 आया है और इस कार्ड में 4 आया है। तो वॉच दिस इज 2 बाई 2 एंड 4 बाई 4, दिस इज माई मैजिक। तो इस तरीके से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं और मैजिक को आप इजीली कभी भी दिखाया जा सकता है। आई होप गाइस आज का ये ट्रिक आपको काफी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अमेजिंग मैजिक ट्रिक देखने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर सकते हैं, और अगर फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल के द्वारा आपको काफी सारे मैजिक ट्रिक सिखाते रहते हैं। हाँ, कोई भी मैजिक कोर्स करना हो, कोई भी मैजिक आइटम खरीदना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाकर आप इजीली मेरा साइट को चेक कर सकते हैं, जहां से आप घर बैठे हर चीज को मंगा सकते हैं। या कोई भी हेल्प चाहिए तो शायद आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर जाके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।